कांगड़ा के योल में एक गाड़ी में एक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में जला हुआ शव मिला है। मृतक की पहचान योल निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस बारे में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया है कि पुलिस को योल के समीप एक गाड़ी में जला हुआ शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत पुलिस ने मौके का दौरा किया और मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है और उसके उपरांत ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी और डुप्लीकेट चाबी के माध्यम से गाड़ी को खोला गया, जिसमें गाड़ी का चालक पंकज अधजली अवस्था में पाया गया और गाड़ी भी अंदर से जली हुई मिली। एसपी कांगड़ा ने बताया कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह संदिग्ध मामला लग रहा है और पुलिस अभी इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक गाड़ी संदिग्ध हालत में जो है यहाँ पे लगी हुई है, जिस पे पुलिस मौका पे आई और जब गाड़ी को आइडेंटिफाई किया तो योल से लड़का है पंकज, उसकी गाड़ी है, वही ड्राइव करता था। तो जो इनके रिलेटिव हैं उन्होंने जब दूसरी चाबी से गाड़ी को खोला, गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी, तो उसके अंदर जो है पंकज की डेड बॉडी जो है ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई थी और गाड़ी भी काफ़ी जगह से जो जली हुई थी। तो बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने भी विजिट किया है। अब जैसे भी फैक्ट्स आगे आएंगे एज पर लॉ जो है कार्रवाई की जाएगी। कारण जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उनके जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से। तो गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई हो जिससे? नहीं, वैसा कुछ नहीं पाया गया है, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं पाया गया गाड़ी में। और बाकी हम जो साक्ष्य जो हैं फोरेंसिक टीम ने इकट्ठा करके दिए हैं उनको फोरेंसिक लैब में भेजेंगे, फिर इसके जो कारण होंगे उसके बारे में पता किया जाएगा। ये आज सुबह नगरोटा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि योल का एक व्यक्ति है, उसकी गाड़ी थोड़ी संदिग्ध हालत में रेना के पास खड़ी है। तो पुलिस पार्टी अलॉन्ग विद SHO तुरंत स्पॉट पे वहाँ पहुँचे, फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ थे, तो गाड़ी चारों तरफ से लॉक थी। फिर डुप्लीकेट की लेकर के गाड़ी को खोला गया तो उस पर ड्राइवर सीट पर जो उस गाड़ी का ड्राइवर है पंकज उसका नाम है, वो अधजली अवस्था में डेड पाया गया। गाड़ी अंदर से पार्शली जली हुई पाई गई, सो उसमें अंदर कुछ केरोसिन पेट्रोल की स्मेल भी है, सो थोड़ा सा संदिग्ध है। तो इसमें फॉरेंसिक की टीम को बुला करके गाड़ी का अच्छे से निरीक्षण करवाया गया है और अभी हम फर्दर मैकेनिकल HRTC के और किसी अथोराइज सर्विस स्टेशन के एक्सपर्ट से उस गाड़ी की भी फिलहाल एग्जामिनेशन हम करवा रहे हैं टू फाइंड आउट कि अंदर गाड़ी में कितना पेट्रोल या वो स्मेल है वो क्यों है और वो गाड़ी किस वजह से जली। हालांकि वहाँ पर बगल में जहाँ जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वहाँ एक लाइटर और उस टाइप मतलब कुछ चीज़ें हैं, सो थोड़ा संदिग्ध है, देख रहे हैं, केस हमने फिलहाल उसमें रजिस्टर कर रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे भी जो होगा अकॉर्डिंगली कर देंगे। फिलहाल 302 में केस रजिस्टर कर रहे हैं। क्या एज रही होगी? 34 ईयर्स है जी, योल का ही रहने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।